फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्किन को कैसे एकदम क्लीन रखा जाए, साफ़ सुथरी रखा जाए। इसके लिए एक होम्योपैथी में ड्रॉप बताऊंगा, क्रीम बताऊंगा। सबसे पहले आप ये कि स्किन में जो ये स्किन है, त्वचा है, इसमें छोटे छोटे स्पोर होते हैं, ठीक है। जो स्पोर होते हैं तो जो अंदर की इसमें गंदगी होती है, स्वेट पसीने के माध्यम से बाहर निकलता है, तो ये जो स्पोर होते हैं इसमें बैक्टीरिया फंगस ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें पिंपल्स हो जाते हैं। पिंपल्स होने के बाद थ्रेड हो जाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो इसको क्लीन कैसे किया जाए, तो सबसे पहले आप हो सके तो 3 बार मुंह को धुलिए फेस वाश से या जो सिंपल साबुन से। धुलने के बाद में आप एक बर्बेरिस अक्वाफोलियम मदर टिंचर आता है, उसको आप किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। उसको कॉटन में लेके उससे ऐसा साफ़ कर लीजिए, तो जो गंदगी होगी, जो पोर मतलब जो इसमें पोर हैं उसके बीच में जो भी फंसे हुए वायरस बैक्टीरिया फंगस हैं उसको आप लेके फेंक दीजिए। ऐसे ऐसे साफ़ कर लीजिए फेस को। उसके बाद में एक आती है डर्मोलिन क्रीम। जो डर्मोलिन क्रीम आती है वो डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमा, प्योराइटिस स्किन, रैसेस, ड्राई एंड क्रैक स्किन। और वैसे भी ये क्रीम जो होती है ये ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटाइटिस एंड एक्जिमा के लिए है, तो इन सभी चीज़ों की कवर करेगी। इसके साथ में डर्मोलिन ड्रॉप एंड क्रीम करके आती है, मेडिसिन कंपनी की है। मैं आपको डिस्प्ले पे डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए, होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से जाके ले लीजिए। और जो ड्रॉप है उसको पीना कैसे है, 10 ड्रॉप ट्राइस अ डे, मतलब 10 बूंद पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप 15 बूंद कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम। और क्रीम को जब आप बर्बेरी सुक्का फोलियम से पोंछ लीजिए, मतलब साफ़ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए कॉटन से, उसके बाद में आप थोड़ा सा पानी मिला के, जैसे ये हाथ ये हैंड है आपका, इसमें आप थोड़ा सा क्रीम ले लीजिए, थोड़ा सा पानी ऐसे ऐसे करके पूरे फेस पे लगा लीजिए। ये काम सुबह शाम आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फ्रेंड्स ओके, थैंक यू।